नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल पालक की रेसिपी, जो सर्दियों के मौसम में काफ़ी अच्छी लगती है। तो चलिए जानते हैं दाल पालक की रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। मैंने मिक्स दाल को आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। आप अपनी मनपसंद दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो मूँग, अरहर या चने, किसी भी दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक को मैंने वॉश करके कट करके रखा था, इसे भी मैंने ऐड कर दिया। साथ ही एक टमाटर मैंने ऐड किया है। साथ ही मैं डाल रही हूँ अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर एक चम्मच, नमक हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी हमें इतना डालना है कि पालक और दाल अच्छे से डूब जाए। ज़्यादा पानी भी हमें नहीं डालना और कम भी नहीं डालना है। मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा है तो ज़रा सा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ, और ढक्कन लगाकर इसे हम 3 से 4 सीटी आने तक अच्छे से पका लेंगे। कुकर में सीटी लग चुकी थी, प्रेशर भी इसका रिलीज हो चुका है। अब इसे हम एक मथनी की सहायता से अच्छे से मथ लेंगे। आप चाहो तो हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके लिए हम तड़का बना करके तैयार करेंगे। तड़का बनाने के लिए गैस ऑन करके कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ घी। तड़का आप घी में ही बनाएं। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब उसमें हम डालेंगे राई, जीरा, हींग, साथ ही अपने स्वाद के अनुसार आप लहसुन डालें। मैं यहाँ 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ। साथ ही मैंने डाला है हींग। 2 प्याज को मैंने बारीक कट करके रखा था, अब हम प्याज को ऐड कर देंगे। और 2 मिनट के लिए प्याज का कच्चापन दूर हो जाए तब तक इसे हम पका लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे बेसिक मसाले। मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। आपको तीखा पसंद हो ज़्यादा तो आप अपने पसंद के हिसाब से मिर्च डालें। साथ ही डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़रा सा हम पानी डाल देंगे ताकि मसाले जलें ना। और साथ ही हम ऐड कर देंगे नमक। नमक सावधानी से ऐड करें क्योंकि दाल में ऑलरेडी नमक है। बस इसी तड़के के हिसाब से हमें नमक ऐड करना है। अच्छे से तड़के को हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और इसमें हम दाल को ऐड कर देंगे। और करीबन 5 से 7 मिनट के लिए दाल को हम पकाएंगे ताकि तड़का और दाल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और सारे फ्लेवर्स आपस में घुल मिल जाए। अब इसके ऊपर से मैं एक लगा रही हूँ तड़का, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। घी में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और सूखी लाल मिर्च को डाल के रखा था, उसे मैंने ऐड किया है। दाल पालक हमारी सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये दाल रोटी और चावल दोनों के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। आज मैंने इसको चावल के साथ सर्व किया है। आशा करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें, और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर से शेयर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।